वेलकम आपका एक और नए और लग्जरी प्रॉपर्टी वीडियो में। आज हम देखेंगे एक 156 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ बहुत ही अल्टीमेट और लग्जरी हाउस, जिसमें कि चार आपको बेडरूम मिलने वाले हैं, एक आपका ड्राइंग रूम या फिर गेस्ट रूम जिसे कह सकते हैं वो है। स्टार्ट करेंगे हाउस के फ्रंट एलिवेशन से। देखिए यहाँ पे दो हाउस बने हुए हैं, एक 162 गज का और एक ही 156 वर्ग गज का। तो जो 162 का है वो स्विमिंग पूल है उसमें, और उसका वीडियो मैं रिसेंटली उसका जो वीडियो है अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इसमें आपको जो डिज़ाइंस मिलने वाली है बड़ी प्यारी मिलने वाली है, और यहाँ पर इतनी यूनिक चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी एक बार इसका फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल दो हाउस बने हुए हैं, और उसमें से जैसे ये लेफ्ट वाला है ना, ये मैंने आपको दिखा दिया है पहले वीडियो में, जो कि 162 गज और ये 156 वर्ग गज। एलिवेशन देख सकते हैं आप, बाहर की तरफ देखिए, यहाँ पे पूरा स्टोन का काम है, एलिवेशन लाइट्स दी है, और ये आपका मेन गेट है जो कि पूरा आयरन में तैयार किया हुआ है, और अंदर की तरफ फाइबर सीट दी हुई है। ये है पूरा पार्किंग एरिया, उस साइड में कुछ सिटिंग एरिया आने वाला है, और यहाँ से एंट्री है आपके ड्राइंग रूम की तरफ, एक आपके लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ से एंट्री है। तो गेस्ट कोई आ रहे हैं आपके डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं। वॉल पूरी यहाँ पे देखिए डिजाइनर लुक के साथ में है। यहाँ ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये बड़ी साइज में है, इसमें आपका जैसे बिजली का मीटर है वो लग जाएगा, साथ ही पानी की मोटर का जो आपका स्विच वगैरह है वो लग जाएंगे। आप अगर चाह रहे हैं सोलर जो है सिस्टम लगवाना, तो उसके लिए अर्थिंग यहाँ पे दी हुई है, प्लेट्स वगैरह आप लगवा सकते हैं, वो कनेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये बड़ा दिया है। पार्किंग एरिया इतना सफिशियंट है, बड़ी कार एक इजीली आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बुद्धा जी का जो है मूर्ति रखी हुई है, और कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ डिजाइंस दी हुई है। यहाँ पे मेन जो डोर है आपका वो लगना बाकी है। घर की हाइट 12 फीट, गेट जितने भी है आपके 8 फीट की हाइट में है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप वेलकम जो फेस है वो लगा रखे हैं, और अब एंटर कर रहे हैं आप एक प्यारे से लग्जरी हाउस के अंदर, और यार बड़ा अच्छा फील आने वाला है। डिजाइंस आप देखेंगे तो आप देखिए, अगर कोई घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या फिर परचेज करना चाह रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में मज़ा आ जाएगा ये चीज़ें देख के। यहाँ पर देखिए जो लुक दिया है, डिजाइंस यहाँ पर तैयार की है, कितनी प्यारी है एंटर करते ही। कर्टन देख सकते हैं किस डिज़ाइन का है। अब ये एरिया आपका सामने की तरफ पूरा मॉड्यूलर किचन है, 156 गज में भाई चीज़ें देखोगे ना आप। एक जो बाथरूम है वो इतना प्यारा बना रखा है जकूजी सिस्टम के साथ में, रूम सब कुछ अल्टीमेट है, देखते चलिए आप। तो ये आपका डाइनिंग एरिया 6 सीटर, यहाँ एक LED दिया कुछ डिजाइंस, और ये पूरा का पूरा आपका किचन का एरिया देखिए, एंट्रेंस से लेके वहाँ लास्ट तक भाई बड़ा खूबसूरत बना रखा है। यहाँ पे बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर सर्व करना है आपको, वहाँ बनाया यहाँ रखा यहाँ पे खाया। अब ये वॉश बेसिन एरिया दे दिया, लगभग 10 ड्रॉवर्स आपके यहाँ पे है, और जो काउंटर टॉप है उसका कलर देखिए आप एक बार, नीचे की तरफ सॉफ्ट क्लोजर के साथ में ये आपके ड्रॉवर्स दिए हैं, और फुली लोडेड आपका मॉड्यूलर ये किचन है। अभी यहाँ कुछ वुडन का लगना बाकी है, छोटी मोटी चीज़ें एक दो अभी बची हुई है जो कि जल्दी लग जाएगी। ये चीज़ें देख लीजिए आप, इसमें जैसे छोटी लाइट दी है, ये आपके ग्लास में तैयार किए हुए हैं, डबल यहाँ पे सिंक है, और इस साइड भी काउंटर टॉप दिया है। इसमें भी देखिए ड्रॉवर्स है, स्टोरेज तो आप बहुत सारा कर सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ डिजाइंस यहाँ पे मिरर, और आगे आइए अभी तो डबल सिंक के साथ ही यहाँ पे आपका डिशवॉशर, ओवन, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स किचन में आपके काम आने हैं वो सारे दे रखे हैं। यहाँ स्टोरेज के लिए रैक्स बनाई हुई है, और अभी और सामान है आपके पास तो उसके लिए एक छोटा स्टोर रूम भी यहाँ पे दे रखा है। बर्तन आपके ज़्यादा हो रहे हैं भाई, यहाँ पे और आप काम ले सकते हैं। तो ये तो हुआ आपकी मॉड्यूलर किचन का पूरा काम, और यहाँ से अब लुक देखते हुए आइए आप किचन का। भाई साहब बना दी ना अल्टीमेट। आप देखिए आपका सामने की तरफ ड्राइंग एरिया है, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा फिर बेडरूम में चलेंगे, बाथरूम वगैरह देखेंगे। यहाँ से एक बार ये पूरा लुक दिखाइए किस तरीके का है। यहाँ कुछ वुडन का काम बाकी है थोड़ा सा, बाकी कट वगैरह आप स्टेयर्स में देख ही सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया, लैंप लाइट दे दी, और ये आपका
सामने की तरफ ड्राइंग का पार्ट है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, आपके ड्राइंग एरिया की तरफ से भी यूज कर सकते हैं। आइए अंदर की तरफ, सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, आराम से 10% तक यहाँ पे बैठ सकते हैं और डिजाइन वगैरह आप देख लीजिए। सोफा के सामने की तरफ सेंटर टेबल, इस साइड में 55 इंची आपका एलईडी, ये एंट्रेंस आपका डायरेक्ट पार्किंग एरिया से है ही, और यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ, एसी फिटिंग के पॉइंट आप देख सकते हैं, जहाँ भी रिक्वायर्ड रहती है वहाँ दे रखे हैं, और कई जगह एसी आपको लगा के दी जा रही है। अब ये है आपका बेडरूम, एक बढ़िया और शानदार डायमेंशन के अंदर। इसमें जो बेड है वो आपको मिलने वाला है हाइड्रोलिक, और बैक साइड की जो डिज़ाइन है वो देख लीजिए, यहाँ पे लैंप लाइट दी है, फोर्सलिंग जो है वो देख सकते हैं, लाइटिंग वगैरह इसमें, सामने आपका एलईडी, स्टोरेज के लिए जगह, और मतलब एक बेड है आपका, बेड के बाद दोनों तरफ इतनी बढ़िया साइज बची हुई है, आप खुद देख सकते हैं। तो आप भी ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी अगर जयपुर शहर में ढूंढ रहे हैं तो हमारे नंबर नीचे मेंशन किए हुए हैं, वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस चैनल पे बहुत ही अल्टीमेट और प्यारी प्यारी और भी जयपुर की प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाला हूँ, तो एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर देना कि ये घर आपको कैसा लगा। ये उधर की साइड आपका सेपरेट वॉशरूम है, आ जाइए। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ में आपका बड़ा सा वार्डरोब, यहाँ पे दे दिया मिरर, और ये आपका वॉशरूम। तो ये तो हुआ आपका ग्राउंड फ्लोर, और अब जो ऊपर के फ्लोर पे दोनों ही रूम है, दोनों के दोनों बड़े अल्टीमेट है। एक में तो आप देखेंगे जो बाथरूम एरिया है वो बड़ा प्यारा है, और एक रूम में आप देखेंगे तो साइड में जगह दी हुई है पूरी ओपन टू स्काई। आइए फटाफट चलते हैं ऊपर, यहाँ पे सेंसर सिस्टम दे रखा है इस सीढ़ियों में, पूरी ग्रेनाइट में तैयार की हुई है। और ये आ गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर के सेंट्रल हॉल में, यहाँ भी देखिए एक सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया आपको, बाकी सिंपल सोवर रखा है पूरी चीज़ें। इस साइड से एक बार उस साइड का लुक देखिए, यहाँ पे आपका मंदिर है, एक बार देखिए। बाथरूम वाला रूम जो बड़ा बाथरूम है वो बाद में देखेंगे, पहले आ जाते हैं यहाँ पे। और भाई साहब ये जो रूम है वो स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, ये पूरा रूम का पार्ट है। आप आइए यहाँ पे, यहाँ स्लाइडिंग डोर है, एंटर होंगे रूम में, और ये यहाँ पे ओपन एरिया, टाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह की है, कलर्स देख सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन देखिए, और इस साइड में देखिए यहाँ पे एक डोर दे रखा है, उधर वेंटिलेशन पॉइंट है ऊपर की तरफ, वो एरिया देख लीजिए, और इस साइड देखिए पूरा ओपन टू स्काई है। यहाँ पे आप बैठेंगे इस जगह, सामने का जो व्यू है, लुक है, व्यू तो नहीं कह सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है बड़ा अच्छा फील देने वाला है। यहाँ एक ग्लास दे रखा है, यहाँ सॉकेट्स, आपको जो भी चाहिए पूरी लाइटिंग वगैरह पूरी प्रॉपर दे रखी है। अब आइए यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ देखिए कर्टन दे रखा है, और एंटर करते ही आपका किंग साइज का बेड हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में, और यहाँ पे देख सकते हैं वॉल पे किस तरीके का काम है लाइटिंग वगैरह का। बेड के सामने आप देखोगे तो ये पूरी देखिए कटिंग वगैरह पूरी इसमें वॉल में की हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिज़ाइन यहाँ पे चिपकाई हुई है, पूरी ये कटिंग यहाँ पे वॉल के अंदर की हुई है। यहाँ आप एलईडी लगा सकते हैं, और फिर आ जाइए वॉशरूम एरिया की तरफ, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है आपका, यहाँ पे डबल वार्डरोब है, और ये पूरा आपका वॉशरूम एरिया, और यहाँ पे एक बड़ा दिया हुआ है मिरर, ऊपर की तरफ लाइटिंग अच्छी सी, एक बार वॉशरूम देख लीजिए आप। और अब आ जाइए आपके एक और प्यारे से रूम की तरफ,
बाथरूम जो है देख के आपको, भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। एंटर किया रूम में, एंटर करते ही सामने की तरफ फिक्स ग्लास दिया हुआ है बड़ा सा बालकनी की तरफ, यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, और एक और यहाँ पे एक ग्लास ऑप्शन दे रखा है। ये आपका बेड आ गया, और यहाँ पे जो मैटर्स है वो थोड़ा बड़ी साइज़ में है, मोटाई ज़्यादा है, तो यहाँ आपको हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं मिलेगा। बाकी ये डिज़ाइंस आप देखिए कितनी प्यारी है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आयरन में वर्क किया हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं इस घर में जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो किस लेवल की है, कितनी प्यारी है। आप सोच नहीं सकते 156 गज में इतना सब कुछ दे दिया। और विजिट आप करना चाहे तो हमारे नंबर दिए हुए हैं नीचे, वहाँ आप देख सकते हैं कॉल करके प्रॉपर्टी। और ये आपका LED पैनल आ गया इधर, पूरा LED का सिस्टम। और यहाँ से स्टार्ट होता है इस रूम का एक बहुत ही प्यारा सा और एक बड़ा सा बाथरूम। आइए, जैसे ही एंटर करोगे सबसे पहले है वार्डरोब सेक्शन स्लाइडिंग डोर के साथ में, और बहुत बड़ी सी वार्डरोब देख सकते हैं। इस साइड में फिर से स्टोरेज के लिए ग्लास में बना दी रैक्स, यहाँ सामने ड्रॉवर दे दिए, और ये पूरा बड़ा सा मिरर। अब यहाँ से वो लुक देखिए आप, यहाँ कुछ देखिए सीट, यहाँ पे वेस्टर्न, सामने की तरफ शावर एरिया, वॉश बेसिन, और ये पूरा आपका जकुजी सिस्टम। आगे की तरफ आइए एक बार, सामने मिरर दिया हुआ है, और इस साइड में एक फिक्स ग्लास दिया हुआ है जिससे कि आपका बालकनी का जो व्यू है वो आने वाला है। और वहाँ से आप देखेंगे इस साइड तो यहाँ दिया हुआ है एक बड़ा सा LED, और टाइल्स वगैरह कलर कॉम्बिनेशन आपने देख ही लिया यहाँ पे कितना अच्छा है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस हाउस की किचन और ये वॉशरूम आपको कैसा लगा। भाई इस हाउस में एक तो जो पीछे मैंने अभी रूम दिखाया आपको उसमें जो ओपन टू स्काई व्यू है और जो जगह है बनाई हुई वो बड़ी अल्टीमेट है। ये वॉशरूम आपने देख ही लिया प्यारा सा, किचन बहुत शानदार, मतलब 156 गज के हिसाब से हम देखें ना चीज़ें, तो मैं खुद सोच रहा हूँ यार कैसे मतलब इतनी प्यारी डिज़ाइन निकाली है इस हाउस की। ये बालकनी एरिया, ये विंडो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके जो जकूजी था बाथरूम में वहाँ से देख सकते हैं, और ये आपके रूम की विंडो दे रखी है दोनों एक सिटिंग की तरफ, और ये जो सामने की तरफ थी वो ये बालकनी एरिया। अब चलते हैं हम लोग रूफटॉप की तरफ, जहाँ पे आपको मिलेगा एक ओपन थिएटर, और एक और वहाँ पे सिंक एरिया दिया हुआ है, बर्तन वगैरह वॉश कर सकते हैं, और एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म दे रखा है, कुछ भी आपको खाना पीना हो वहाँ पे रखा खाया पिया। और आप जिम भी अपने घर पे ही सेटअप करना चाहते हैं तो वेलकम आपका 3rd सेंट्रल हॉल में, और यहाँ पूरा वही माहौल तैयार किया है जिम का सा। एक यहाँ पे बड़ा मिरर दे दिया, एक पोस्टर चिपका दिया, तो भाई थोड़ा फील आ जाता है वैसे जिम का सा। मशीनें वगैरह आप अपनी लगा लीजिए, पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। इस साइड आपका ये ओपन एरिया, और यहाँ आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं। इस घर में एक चीज़ देखना आप कि जो ये जो विड्थ दे रखी है ना स्टेयर्स में, ये भी अच्छी है। और अब यहाँ आइए आप, ये बालकनी दे दी यहाँ पे, और यहाँ से पूरा ओपन टू स्काई एरिया। यहाँ से नीचे की तरफ जो रूम के बाहर का पार्ट था, रूम का ही पार्ट था, वो पूरा है यहाँ पे। और ये है आपका 4th बेडरूम, इसमें लाइटिंग वगैरह बैक साइड में जो बेड के लगनी है चीज़ें वो डिजाइंस वो सारी दे दी। यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट वो दे दी आपको, और यहाँ अपनी वार्डरोब लगा सकते हैं। एक वॉशरूम है, कुछ सामान पड़ा है, तो ये वॉशरूम मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। और अब आइए ओपन जो एरिया आपका रूफटॉप का वहाँ पे, और यहाँ से एक बार जो टाइल्स है उनका आप कलर देखिए और बताइए मेरे को कि मज़ा आया या नहीं, अच्छी लगी या नहीं ये चीज़ें। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा दिया, एक सिटिंग अरेंजमेंट आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास, लाइटिंग ये सारी चीज़ें दे दी। इस साइड में आपका जो थिएटर एरिया है, ओपन थिएटर एरिया, वो बारिश वारिश का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है।
और यहाँ देखिए स्टैंडिंग जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं आपके वो यहाँ पे है। सामान बनाया खाया पिया कुछ भी है दोस्तों के साथ बैठे, अगर बैठना है तो यहाँ पे छत पे फैमिली के साथ बैठ सकते हैं जैसे आप बैठना चाहे। यहाँ सीढ़ी दे रखी है वो आपको एक और फ्लोर के ऊपर ले जाती है छत की तरफ। और ये हुआ आपके हाउस का टूर पूरा आज का, 156 गज के हाउस का टूर। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की लग्जरी प्रॉपर्टी पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप नहीं लेना चाह रहे, आपके कोई दोस्त या रिलेटिव लेना चाह रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टी तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। और आप लेना चाह रहे हैं तो नीचे नंबर दे रखे हैं मैंने, वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट करना है और इस हाउस को अपना बना लेना है। मैं मिलता हूँ आपसे फिर और एक नई वीडियो में नई और लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ में। थैंक यू।